हेलो दोस्तों खेमपुर रिपेयर यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों मेरे पास में आज 12 वोल्ट 2 एम्पेयर का ट्रांसफार्मर है और 12 वोल्ट 2 एमपेयर के ट्रांसफार्मर के बारे में जो आज मैं आपको जानकारी देने वाला हूं इस जानकारी की मुझे भी काफ़ी टाइम से ज़रूरत थी लेकिन मेरे पास कोई सुविधा नहीं थी जिसकी वजह से मैं इस चीज़ को जो था वो पता कर सकता था और यूट्यूब पर इस टाइप के कोई वीडियो मतलब है नहीं जिससे कि आपको पता चल जाए जानकारी ये है कि मेरे पास में यहां पर मैं आपको दिखाता हूं ये ट्रांसफार्मर है और ये जो ट्रांसफार्मर है दोस्तों ये दो एम्पेयर जीरो बारह वोल्ट का ट्रांसफार्मर है इस ट्रांसफार्मर का यूज एम्पलीफायर में होता है अब कहने का मतलब यह है कि जैसे कि अगर ये ट्रांसफार्मर खराब हो जाता है तो फिर आपको ये कैसे पता चलेगा कि इस ट्रांसफार्मर में टोटल कितना कॉपर है यानी कि जो इसमें वाई जो एक की वाइंडिंग करी हुई है जो कि हम कह सकते हैं कि तार इसके अंदर पड़ा हुआ है वो कितने ग्राम है अगर हम इसको तोड़कर बेचेंगे तो ये हमें कितने रुपए तक का बिकेगा तो आज मैं आपको यही बताने वाला हूं कि इसमें टोटल कितने तार का वजन है कितना टोटल इसमें तार होता है जिससे कि अगर आप Uh, कोई ट्रांसफार्मर मान लीजिए किसी कस्टमर का है अगर आप पुराना ले रहे हैं या फिर मान लीजिए आपको कोई वैसे ही खराब ट्रांसफार्मर मिल जाता है तो अगर आपको ये ट्रांसफार्मर के वायर का पता होगा तो आप इसको आसानी से खरीद सकते हैं कि आपको कितने रुपए तक का इसे आपको लेना है जिससे कि आपको घाटा ना हो और आप इसको आ, एक तरीके से जो है स्क्रैप में बेच सकते हैं तो आपको इससे भी फायदा होने वाला है तो इसलिए वीडियो पर बने रहें मैं इस ट्रांसफार्मर को खोलूंगा पूरी तरीके से और आपको बताऊंगा पहले दोस्तों मैं आपको इसको कांटे पे रखकर दिखाता हूं और कांटे का वजन आप देख सकते हैं जीरो है ठीक है आपने देख लिया जीरो है अब जब हम इस ट्रांसफार्मर को पूरा कंप्लीट ट्रांसफार्मर को रख रहे हैं तो इसमें वजन आ रहा है साढ़े सात सौ ग्राम सात सौ साठ सात सौ पचपन ग्राम इसमें वजन आ रहा है ठीक है तो ये टोटल ट्रांसफार्मर का वजन है अब हम इसको खोलेंगे और देखेंगे इसमें जो है कोर का कितना वजन है और वायर का कितना वजन है दोस्तों मैंने यहाँ पर ट्रांसफार्मर को खोल लिया है ये इसकी कॉइल है प्लास्टिक वाली जिस पर कॉयल को बनाया जाता है और ये इसका कवर है ठीक है आप देख सकते हैं कवर है यहाँ पर इसकी वायर है ठीक है ये वो वायर है जो आउटपुट में यूज होती है और ये वो वायर है जो कि इनपुट में यूज़ होती है ए सी वोल्ट के लिए ये ए सी आउटपुट के लिए होती है ये ए सी इनके लिए होती है ठीक है इसे एक तरीके इंटरनल इसे एक्सटर्नल वायर हम मान सकते हैं तो आज हम बात करेंगे कि इसका वज़न कितना है और इसका वज़न कितना है तो ये हमारी ए इनपुट वाली वायर है और यहाँ पर काटा आप देख सकते हैं ज़ीरो पर है और जब मैं इस पर वायर रखता हूँ तो इसका वज़न कितना आता है दोस्तों टोटल यहाँ पर पचास ग्राम ठीक है मैं इसको निकालता हूँ देखिए इसका वज़न थोड़ा सा यहाँ पर काटा आउट दिखा रहा है मैं इसको थोड़ा कम करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पर जो कि बैलेंस में आ जाए ठीक है बैलेंस में आ चुका है आप देख सकते हैं अब इसका वजन आ रहा है टोटल पचास ग्राम जो हमारी ए सी इन वाली वायर है इसका वजन पचास ग्राम है और जो ये हमारी ए सी आउटपुट वाली है जो कि जीरो बारह वोल्ट की वायर होती है तो इसका वजन यहाँ पर लगभग पचपन ग्राम है ठीक है इसका पचपन ग्राम के आसपास है ठीक है अब अगर हम दोनों वायर को तोलते हैं तो यहाँ पर इसका वज़न 100 ग्राम आता है लगभग पचानवे ग्राम आता है 100 ग्राम भी नहीं आता है पचानवे ग्राम मान के चलिए आप इसका वज़न दोनों क्वाइलों का ठीक है या आप 100 ग्राम मान सकते हैं दोनों का 100 ग्राम है हल्का सा बैलेंस इसमें है एक दो ग्राम का 100 ग्राम वजन है तो अगर आपके पास में कोई भी दो एम्पियर का बारह जीरो बारह का कॉपर का ट्रांसफार्मर है तो उसमें जो कॉपर की वायर निकलेगी वो सिर्फ सौ ग्राम वायर निकलेगी तो 100 ग्राम तार जो है ये हमारा सात सौ के हिसाब से हो रहा है तिहत्तर रुपये का यानी कि जो इसमें कॉपर निकलेगा एक ट्रांसफार्मर में दो एम्पियर के ट्रांसफार्मर में वो निकलेगा तिहत्तर रुपये का यानी कि तिहत्त सत्तर रुपये मान के चलिए आप सत्तर रुपये का आपका कॉपर निकलेगा अगर आपके पास कोई पुराना ट्रांसफार्मर बेचने आता है या फिर आप किसी होम थिएटर वो या फिर एम्पलीफायर में ट्रांसफार्मर डालते हैं तो आपको आज पता चल गया है कि इसमें जो कॉपर निकलेगा वो तिहत्तर रुपये का निकलेगा ठीक है यानी कि सत्तर रुपये का आप मान के चल सकते हैं और इसमें जो ये वाला यहाँ पर जो ई और आई हैं इसका वज़न भी लगभग 600 ग्राम के आसपास होगा क्योंकि 50 ग्राम की ये चीज़ आ जाती है वायर पेपर और ये चीज़ ठीक है जो इसकी क्वॉयल है तो ये भी लगभग आपका बिक जाएगा तीस रुपये के आसपास तीस या पच्चीस रुपये का तो यानी कि ये मान के चलिए कि अगर आप कोई पुराना दो एम का ट्रांसफार्मर लेना है तो उसे आप सौ का बेच सकते हैं बड़े ही आराम से लेकिन इसके लिए आपको कॉपर कॉपर के दुकान पे और ये कबाड़ में बेचना पड़ेगा तब आपको सही रेट मिलेगा खाली ट्रांसफार्मर ऐसे बिक जाएंगे तो बीस तीस रुपये से ज़्यादा का ये नहीं बिकेगा तो दोस्तों ये वीडियो सिर्फ इसीलिए बनाया था क्योंकि किसी भाई के ये कमेंट आए थे कि सर ट्रांसफार्मर में कितने का निकलता है कॉपर कितने का इसकी ई वगैरह बिकती हैं तो ये कॉपर के ट्रांसफार्मर का आपको पता चल गया कि आप इसको सौ रुपये का जो है वो बेच सकते हैं तो अगर आपके पास कोई बेचने आता है पुरात ट्रांसफार्मर तो फिर आप इसको पचास का चालीस का साठ का जितने का भी आपको आ, समझ में आए आप ख़रीद सकते हैं आपको इसमें जो रिकवरी होगी वो सौ रुपये की होगी एक ट्रांसफार्मर से अगर दोस्तों ये वीडियो अच्छा लगा जानकारी अच्छी लगी तो इसे लाइक करें शेयर करें और कमेंट करके बताएं आपको ये वीडियो कैसा लगा दोस्तों के साथ आप हमारे चैनल को शेयर ज़रूर करें चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग